हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में अपन ने फ्लूट कपलिंग देखा था या फ्लूट फ्लाईव्हील देखा था। उसमें क्या था कि इट बिहेव लाइक अ मैकेनिकल क्लच जो से पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। ठीक, वो क्या करता है, वो पूरे के पूरे इंडियन टॉर्क को गियर बॉक्स में ट्रांसमिट कर देता है विदाउट एनी चेंज इन इट। अभी हम देख रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉर्क कन्वर्टर। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू फ्लूट कपलिंग, बट इसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ जाता है ठीक है। तो द टॉर्क कन्वर्टर इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लूट ड्राइव, वैसे ही होता है बिल्कुल भी, लेकिन ये गियर रेशियो में काम करता है। ठीक है, इसमें एक एडिशनल मेंबर जो आता है उसको हम बोलते हैं स्टेटर, जो कि पंप इम्पेलर और टर्बाइन जो फ्लूट कपलिंग में था उन दोनों के बीच में लगता है। इट्स गियर रेशियो इज मैक्सिमम वेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड डिक्रीजेज एज द व्हीकल गेन्स स्पीड। जैसे ही हमारा इम्पेलर रोटेट होना स्टार्ट करता है और टर्बाइन रोटेट नहीं होता है, तब हमको मैक्सिमम टॉर्क कन्वर्जन मिलेगा, गियर रेशियो मैक्सिमम मिलेगा, और जैसे जैसे टर्बाइन की स्पीड बढ़ते जाती है हमारा गियर रेशियो कम होते जाएगा और हमको टॉर्क मल्टीप्लीकेशन कम मिलेगा। तो इसके कंस्ट्रक्शन में देखेंगे अपन, इसमें फोर मेन कंपोनेंट होते हैं। एक स्टेटर होता है विच कंप्राइजेज ऑफ अ सेट ऑफ स्टेशनरी ब्लेड्स, ये नया कंपोनेंट होता है जो कि फ्लूड कपलिंग में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा एक ड्राइविंग मेंबर होता है इम्पेलर, जो कि फ्लूड कपलिंग में था। एक ड्रिवन मेंबर होता है टर्बाइन, जो कि अगेन फ्लूड कपलिंग में भी था। और एक हाउसिंग होती है जिसके अंदर ये तीनों चीज इंस्टॉल होती है। ठीक, ये भी फ्लूड कपलिंग में था। फ्लूड कपलिंग में क्या था कि हाउसिंग के अंदर इम्पेलर और टर्बाइन बस होता था, यहाँ पे हाउसिंग के अंदर इम्पेलर टर्बाइन और स्टेटर और रहेगा। अब स्टेटर लगता कहाँ पे, स्टेटर इम्पेलर और टर्बाइन के बीच में लगता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका फिगर। ये फिगर आ गया अपना, ये है हमारा टर्बाइन, ये है हमारा इम्पेलर, ये दिख रहा है आपको इम्पेलर रेड कलर से, और इन दोनों के बीच में देखिए ये लगा स्टेटर। ठीक, अगर हम सिमिलर फिगर देखना चाहें जैसा कि हमने फ्लूट कपलिंग में देखा, तो ये वाला फिगर है वो, बस क्या लग गया, बीच में एक छोटा सा कम डायमीटर का स्टेटर लग गया। ये इसका डाया उतना होना चाहिए कि आपने जब वीडियो देखा था तो आपने देखा था कि जब टर्बाइन से फ्लूट वापस इम्पेलर की तरफ जाता है तो सेंटर से जाता है, तो वो सेंटर को कवर करने के इतना डायमीटर होना चाहिए इस स्टेटर का। अगेन देखिए फ्लूट कपलिंग वर्क किस में कर रहा था, कि अगर सपोज हम एक फैन स्टार्ट करें और जस्ट उसके अपोजिट में दूसरा फैन रख दे, एक को पावर सप्लाई दे दूसरे को पावर सप्लाई नहीं दे, तो दूसरा भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम प्रिंसिपल है फ्लूट कपलिंग का भी, सेम प्रिंसिपल है टॉर्क कन्वर्टर का भी, बस इसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया, दैट इज स्टेटर। अब देखिए वो स्टेटर वर्क कैसे करेगा, या फ्लूट जो टॉर्क कन्वर्टर है हमारा वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो जो फ्लूड है वो टॉर्क कन्वर्टर, अगेन वो ऑयल रहेगा और वो हाउसिंग के अंदर रहेगा। जब इंजन स्टार्ट होता है तो इम्पेलर स्टार्ट हो जाएगा रोटेट होना, ये इम्पेलर है, ये पंप इम्पेलर है, ये स्टार्ट हो जाएगा रोटेट होना। जब इनिशियली क्या होगा, जब ऑयल टर्बाइन में जाएगा बिकॉज ऑफ हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द इम्पेलर, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो टर्बाइन स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा जब इम्पेलर की स्पीड कम रहेगी। ठीक, जैसे जैसे ही इम्पेलर की स्पीड बढ़ते जाएगी वो हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ टर्बाइन में आएगा और टर्बाइन को रोटेट करेगा। ठीक है, टर्बाइन को रोटेट करना स्टार्ट कर देगा वो, विथ इंक्रीज इन इंजन स्पीड। जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ते जाएगी पंप का आरपीएम बढ़ते जाएगा तो अब वो टर्बाइन में भी रोटेट होने लग जाएगा। टर्बाइन कब रोटेट होगी, जब वो अपने इनर्शिया फोर्स को ओवरकम करेगी, इनर्शिया के कारण वो स्टेशनरी कंडीशन में रहेगी। जैसे ही एक पर्टिकुलर स्पीड में पंप इंपेलर आ जाएगा तो वो टर्बाइन को रोटेट करने लगेगा, और जैसे ही टर्बाइन रोटेट होगी क्या होगा, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी मूव करना, हमारी व्हीकल स्टार्ट हो जाएगी मूव करना। अब टर्बाइन की ब्लेड का एंगल इस तरह से होता है कि जो फ्लूड टर्बाइन की ब्लेड में पड़ रहा है वो उसके सेंटर से, टर्बाइन के सेंटर से वापस आता है, और जब वो वापस आता है टर्बाइन के सेंटर से इंपेलर की तरफ जाता रहता है। देखिए ये एरो से दिख रहा है आपको, पंप इंपेलर से टर्बाइन में गया, टर्बाइन से वापस पंप में आ रहा है, तो फ्लूड कपलिंग में क्या होता था, ये स्टेटर नहीं होता था, डायरेक्ट वो पंप में आ जाता था।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टेटर लगा दिए। ये स्टेटर लगाने से क्या हो रहा है कि जो पहले वो फ्लूड अपोजिट डायरेक्शन में हिट करता था इंपेलर को, अब वो फेवरेबल डायरेक्शन में हिट करने लग जाएगा। और जैसे ही वो फेवरेबल डायरेक्शन में हिट करने लगेगा, वहाँ पे टॉर्क का मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्किंग सिमिलर टाइप की है, बस क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया। इसको अपन देखते हैं वीडियो में, वीडियो में देखते हैं इसको कैसे वर्क करता है। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखा था कि ये फ्लूड कपलिंग था, नॉर्मल फ्लूड कपलिंग था, आउटर एज से इंपेलर के फ्लूड जा रहा है और इनसाइड एज से टर्बाइन से निकल रहा है, फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? अब देखिए यहाँ पे अगर ये फ्लूड कपलिंग है, इसको अगर हमको टॉर्क कन्वर्टर में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्टेटर। ठीक है, यह है स्टेटर, इसका डायमीटर कम रहेगा, बस इसका जो इनर डायमीटर है, इनर वाला डायमीटर है, उसके जितना इसका डायमीटर रहेगा, और इसकी ब्लेड का डायरेक्शन इस तरह से रहेगा कि वो फ्लूड जो टर्बाइन से आ रहा है इंपेलर में, उसको वो एक फेवरेबल डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तीनों को मिला के हमारा एक सेट बन जाएगा, जिसको हम टॉर्क कन्वर्टर बोलते हैं, इंपेलर देन स्टेटर देन टर्बाइन, वो एक केसिंग के अंदर आ जाएगा, हाउसिंग भी बोलते हैं उसको, केसिंग को। तो ये कंपोनेंट हो गया उसके। अब देखिए जब रेड वाला क्या है, इंपेलर ब्लेड है, वो रोटेट कर रहा है, आप देख रहे हैं, और येलो वाला जो है, येलो ब्लेड है जो टर्बाइन ब्लेड है, वो स्टेशनरी कंडीशन में। ये कब का केस है, जब हम ब्रेक लगाए हुए हैं, जब गाड़ी में ब्रेक लगा हुआ है, तो क्या हो रहा है, हम टर्बाइन ब्लेड को पकड़ के रखे हैं, उसको मूव होने नहीं दे रहे, और इंपेलर रोटेट हो रहा है, हमने एक्सीलेटर भी कम दे के रखा है, जब ब्रेक लगेंगे तो एक्सीलेटर कम हो जाएगा। तो ये पहला फेज है जिसमें इंपेलर रोटेट हो रहा है लेकिन टर्बाइन रोटेट नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ड्राइवर अप्लाई विद ब्रेक एंड इट रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ टर्बाइन ब्लेड। ओके, अब जैसे ये दिस इज फर्स्ट फेज एंड वी कॉल्ड इट द स्टैल, STALL स्टैल बोलते हैं इसमें। जैसे ही फेज टू आया, मतलब ब्रेक पैडल से ड्राइवर ने अपना पैर हटाया और एक्सीलेटर देना स्टार्ट किया, तो अभी देखिए जो रेड वाला पोर्शन है, रेड वाली ब्लेड है, वो ज़्यादा स्पीड से घूम रही है, और येलो वाली ब्लेड है वो कम स्पीड से घूम रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे स्टार्टिंग में क्या था, जब वो स्टेशनरी था, टर्बाइन ब्लेड और इंपेलर ब्लेड सब हाई स्पीड में था, तो क्या हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा टॉर्क का मल्टीप्लिकेशन हो सकता था, लेकिन जैसे जैसे टर्बाइन ब्लेड की स्पीड बढ़ते जा रही है और इंपेलर ब्लेड के पास पहुँचते जा रही है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है, गाड़ी मूव हो रही है और टॉर्क मल्टीप्लिकेशन कम होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो RPM है इंपेलर का, वो टर्बाइन से ज़्यादा रहेगा, और टॉर्क है इंपेलर का, वो टर्बाइन से कम रहेगा। ठीक है, दिस इज फेज टू। नेक्स्ट इज फेज थ्री। जो फेज थ्री जब आएगा, तो क्या होगा, जो येल्लो वाला पोर्शन है, जो टर्बाइन ब्लेड है, इट्स स्पीड इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू इंपेलर स्पीड। दिख रहा है आपको, ये देखिए दोनों ही ऑलमोस्ट सेम स्पीड से घूम रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सेम स्पीड नहीं होता है, अराउंड 90% टर्बाइन स्पीड गेन कर पाता है इंपेलर की, पूरा 100% गेन करना मुश्किल है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि ये 100% टर्बाइन की स्पीड और इंपेलर की स्पीड सेम हो गए। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट टॉर्क कन्वर्जन, और ये कंडीशन है जिसमें ये फ्लूड कपलिंग की तरह काम कर रहा है, मतलब अब यहाँ पे टॉर्क का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, दोनों का टॉर्क इक्वल है, दोनों का RPM इक्वल है, अब ये हो गया हमारा फ्लूड कपलिंग। ठीक है, तो टॉर्क कन्वर्टर इज यूज फॉर टॉर्क मल्टीप्लिकेशन एंड फ्लूड कपलिंग इज यूज फॉर जस्ट ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क। ठीक है, जब हमारे को पूरा का पूरा, जब देखा हमने कि इंपेलर स्पीड और टर्बाइन स्पीड दोनों सेम हो गई, इट मीन्स इट इज इक्वलेंट टू डायरेक्ट गियर, जो हमारा टॉप गियर होता है ना गाड़ी में, वो उसके इक्वलेंट आ गया, जितने स्पीड से हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा उतने ही स्पीड से हमारा गियर बॉक्स में वो भी रोटेट करेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ, जो मैंने ये पूरा लिखा हुआ है, जो मैंने पूरा समझाया आप लोगों को, उसको ये लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको अगेन फिर से पूरा का पूरा। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ टॉर्क कन्वर्टर। देखिए फ्लूड कपलिंग और टॉर्क कन्वर्टर दोनों में से एक चीज़ एग्जाम में जरूर आती है, ठीक, उसका आता है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग।
तो आपको इम्पोर्टेंट कंपोनेंट लिखना है उसके, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसका, और सिंपल उसकी वर्किंग, और सबसे इम्पोर्टेंट है फिगर बनाना। ठीक, अब फिगर में आप क्या बनाएंगे, टॉर्क कन्वर्टर का आएगा तो ये वाला फिगर बनाएंगे आप, सिर्फ एक फिगर बनाने की ज़रूरत है, और अगर फ्लूट कपलिंग का आएगा तो ये वाला फिगर बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन, ये हो गया हमारा हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, नेक्स्ट वीडियो में अपन जो मशीन्स या जो मशीन वर्क करती है हाइड्रोस्टैटिक पे, उसके ऊपर देखेंगे। हमने देखा था चार मशीन को पढ़ना है अपने को कौन कौन सी मशीन पढ़ना है, हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ना है, एक्यूमुलेटर पढ़ना है, इंटेंसीफायर पढ़ना है और लिफ्ट पढ़ना है। थैंक यू।